अगर राम ने वो नंबर ट्रेस कर लिया ना आंटी, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो नंबर तुम्हारे नाम पर है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, वो एक प्रीपेड नंबर था। सिम कार्ड को तो मैं ठिकाने लगा ही दूंगी। लेकिन एक बात तो आज मुझे समझ में आ गई आंटी, ये सूद परिवार की औरतें ना सिर्फ अबला नारी होने का नाटक करती हैं, है नहीं। और ये मीरा सूद, ये तो जरूरत से ज्यादा ही चालाक है। आंटी मुझे लगता है ना, ये लोग इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। अम्मी कुछ कम नहीं है वेदिका, अगर गलती हमसे हुई है तो सुधारेंगे हम ही। ओके, डोंट वरी। हेलो नानी आंटी। ब्रिंदा, मैंने सोचा चल के हाल चाल पूछ लो। प्रिया का? नहीं, प्रिया का क्यों? प्रिया का ध्यान देने के लिए राम है ना, तो तुम्हारा हाल पूछने आई थी और साथ में कपकेक्स लेकर आई थी। So sweet. कैसी हो तुम? I'm fine, thank you. एस्टी नंदनी आंटी, वो क्या है ना, हम सब बहुत खुश हो गए थे वेदिका और शशि को एक साथ देखकर लोहड़ी पार्टी में, लेकिन अफसोस इन दोनों की सुलह नहीं हो पाई। प्रिया को भी बहुत अफसोस है, लेकिन जो काम अधूरा रह गया क्यों ना उसको अब अंजाम दे दे। मैंने सोचा है शशि को आज यहाँ बुला लेते हैं लंच पे। व्हाट? बट व्हाई? वेदिका, कम्युनिकेशन, बात करोगे तभी तो गलतफहमी दूर होगी। क्यों आंटी, हर रिलेशनशिप में बात करना बहुत जरूरी होता है ना, वो भी खुल के। या एब्सोल्युटली। पर ब्रिंदा मैम, देखो वेदिका, ये राम का आइडिया है, वो चाहता है। और जहां तक मुझे याद है तुम राम को कभी ना नहीं करते हो, तो अभी भी नहीं करोगी ना? बहुत इतराती हो ना राम की वेदू, एक नंबर की गधू है तू। और तुझे ना मैं इस घर से ऐसे निकालूंगी जैसे घाते के सर से सींग। चलो आओ, शशि आने ही वाला होगा। कब? चल लंच की तैयारी करते हैं। चलो, कम 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 बेबी। वेदिका मुझे बताओ शशि को क्या पसंद है, सब अपने हाथों से बनाना उसके लिए। ब्रिंदा वेट, तुम्हें ना मेरे मामले में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सब राम ने कहा है शशि के साथ लंच के लिए, तुम राम को मना करोगे? अरे वेदिका मैं सुनो, अच्छा मैंने आधी और ब्री से बात कर ली है, सारी प्लानिंग हो गई है, शशि लंच पे आ रहा है। राम, लेकिन मैं कह रही थी इन सब के लिए पुलिस। इंस्पेक्टर सावन, आप? सर हमने पूरी जांच कर ली है और जहां तक बात साजिश की, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता सर ये एक्सीडेंट ही था। साजिश? राम तुम्हें क्यों लगता है कि ये साजिश थी? पता नहीं माँ, जो डैड के साथ हादसा हुआ और जो फीलिंग मुझे उस वक्त आई थी, वही फीलिंग मुझे इस एक्सीडेंट के बाद आई। अगर किसी ने ये जानबूझकर कराया है, मुझे नहीं पता, मैं इसलिए मैंने आदि को कहा कि इसे इन्वेस्टिगेट कराए। देखिए मुझे वहाँ कुछ मिला नहीं। मिस्टर कपूर, क्या मैं आपकी वाइफ से बात कर सकता हूँ? या तो भी आराम कर रही है वैसे, पर चलिए मैं आपको संभाल के। प्रिया? अरे वेदिका, तुमको लगी तो नहीं ना, वो एक्चुअली राम ने प्रिया के आगे तुम्हें देखा ही नहीं। राम ने तुम्हें नहीं देखा? प्रिया तुम नीचे क्यों आई? इंस्पेक्टर ऊपर आ जाते तुमसे मिलने। डोंट वरी राम, डॉक्टर ने बोला है कि प्रिया थोड़ा थोड़ा चल सकती है, उसकी सेहत के लिए अच्छा है। मैं ले चलता हूँ। ये मैं भूल गया था, मैं ले लूंगा दवाई। चल आराम से। प्रिया ये इंस्पेक्टर सावंत हैं, आइए ना सर, आराम से। ओके प्रिया जी, आई होप कि अब आप बेटर फील कर रही होंगी। सर मुझे आपसे उस रात के बारे में बात करनी जब आपका एक्सीडेंट हुआ था। क्या उस रात आप लोहड़ी पार्टी में थी? हाँ। जब मिस्टर कपूर ऑफिस से पार्टी में आ रहे थे, तो फिर आप अचानक पार्टी से उस एक्सीडेंट स्पॉट पे कैसे पहुंच गई? वो अपनी पहली लोहड़ी के लिए निकले तो सही, लेकिन पहुंच नहीं पाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। For more updates,
subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.